हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो आज उसका लेक्चर 49 आ गया है। मैं आज आपको बता दूं जो आज का कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। तो याद रखिएगा क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है वो ईजी क्वेश्चन हैं और वो PSC लेवल के। याद रखिएगा आज के जो क्वेश्चन है वो हमने UPSC लेवल के नहीं लिए, आज के क्वेश्चन हमारे PSC लेवल के हैं। और आप किसी भी स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो याद रखिएगा ईजी क्वेश्चन है इसलिए कट ऑफ भी 9 मार्क्स है। तो याद रखिएगा देखना आपको कि 9 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा या 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना पड़ेगा आज के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं आर डिसाइडेड बाय अ बेंच। एक बेंच डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें एटलीस्ट कितने जजेस होने चाहिए तब हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन केसेस जो होते हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड करती है और उसमें हाउ मेनी मतलब एटलीस्ट कितने जजेस होने चाहिए। ऑप्शंस हैं 3 जजेस, 5 जजेस, 6 जजेस और 7 जजेस। ओके, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है दैट इज 5 जजेस। तो मिनिमम याद रखिएगा एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो तो। ठीक है, आपको मुझे बताना है एक फेमस केस था केशवानंद भारती केस, आपको पता होगा 1973 में ये केस हुआ था। आपको बताना है इसमें कितने जजेस बैठे थे इस जजमेंट में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने जजेस थे केशवानंद भारती केस 1973 में। ओके चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी 5 जजेस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा कौन सा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है। याद रखिएगा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। एक बात बता दूं ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर अब तो सरकार ने हटा दिए हैं, अब ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। 2017 से जब अरुण जेटली जी ने बजट रखा था उस टाइम पे याद होगा आपको 12th 5-year प्लान खत्म हुआ था 2017 में। उसके बाद से ही हमने ये प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट करना हटा चुके हैं हम ऑलरेडी, बट स्टिल हटा तो चुके हैं, बट इनमें से आपको बताना है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन से नहीं है। ओके तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव, क्योंकि जितने भी मैंने लिखे हैं सब्सिडीज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गई, डिफेंस एक्सपेंडिचर हो गए, दीज ऑल आर व्हाट दैट इज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ओके तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो 5-year प्लान होते हैं अपने। ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो 5-year प्लान में प्लानिंग करके रखा रहता है कि इसमें हमें एक्सपेंडिचर करना है तो 5-year प्लान में मेंशन रहता है तो उसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो 5-year प्लान में मेंशन नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब आपको पता है 5-year प्लान्स भी बंद हो चुके हैं तो उसी टाइम पर हमने ये 2017 में नॉन प्लान्ड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर का डिफ्रेंसिएशन खत्म कर दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स रिलेटेड है। द ऑफिस ऑफ व्हिप ये इंपॉर्टेंट है इज बेस्ड ऑन। ठीक है, ये किस में बेस्ड है, पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सेकंड रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन है, थर्ड कन्वेंशन या ऑल ऑफ द अबव। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हिप आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज व्हिप। ओके पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। याद रखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ना ही ये रूल्स ऑफ हाउस में मेंशन है। याद रखिए ये कन्वेंशन है मतलब एक प्रथा है जो पार्लियामेंट में चली आ रही है। ठीक है, और व्हाट इज व्हिप ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी कन्वेंशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। याद रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये इकोनॉमिक के टर्म्स आपको नहीं समझ में आते जल्दी तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हमने अपडेटेड इकोनॉमिक्स लेक्चर्स हम अभी उसको चल रहा है मतलब कंप्लीट नहीं हुई है सीरीज़ बट इट ऑन रनिंग प्रोसीजर, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं उस सीरीज़ को। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को आप ज़रूर देख सकते हैं कि किस तरह चल रहे हैं। उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, राइट नाउ फिस्कल पॉलिसी चल रही है। ठीक है, चलिए तो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात करें, व्हाट इज दिस डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ऑप्शन से इससे क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा आपका, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ये नेशनल इनकम बढ़ेगी। मैं डीवैल्यूएशन आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल $1 50 रुपए का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और $1 जो है फॉर एग्जांपल 60 रुपीज़ का हो जाता है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं पहले $1 में आपको 50 रुपये मिलते थे, अब $1 में आपको कितने रुपये मिल रहे हैं, 60 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब जो रुपी है वो एक्चुअली उसकी वैल्यू जो है ना, रुपी वीक हो रहा है, ये आपको याद रखना है, रुपी वीक हो रहा है। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 रुपये अगर करेंगे तो $1/$50 होगा, ठीक है, और इसमें करेंगे ₹1 तो याद रखिएगा 1/60 होगा। तो आप देख रहे हैं जब $1 में 50 रुपीज़ थी तब ये डॉलर की वैल्यू है, ठीक है, और जब $1 में 60 रुपीज़ थी तब ये वैल्यू आ रही है ₹1 की। तो आप देख सकते हैं रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 1/50 थी, अब 1/60 हो रही है। तो याद रखिएगा जब भी डीवैल्यूएशन होता है तब जो डॉलर की वैल्यू है वो मजबूत होती है और जो रुपये की वैल्यू है वो कमज़ोर होती है, ठीक है। तो पूछा गया है इस केस में अब डीवैल्यूएशन हो रहा है तो इससे होगा क्या, प्रमोट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इज एक्सपोर्ट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। लेट अस सपोज आपने कुछ यहाँ पर एक मोबाइल बनाया, ठीक है, और उस मोबाइल की कीमत आपने फॉर एग्जाम्पल रखी $2, ठीक है। आपको लगा कि $2 है और फॉर एग्जाम्पल $1.50 का चल रहा था। आप गए मार्केट में बाहर और आपने उसको बेचा और आपको $2 मिले, तो आप इंडिया में आए तो आपने उसको कन्वर्ट करा, आपको कितने रुपए मिल गए, ₹100 मिल गए। आपने कहा चलो ठीक है, अब मान लेते हैं वो वैल्यू जो है रुपये डॉलर की वैल्यू जो थी रुपये के टर्म में डीवैल्यूएट हो जाती है, मतलब $1 60 का था। अब आप मोबाइल लेके गए $2 में आपने बेचे, लेकिन इस बार आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे जब आप वापस आएंगे, आपको मिले ₹120। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, डीवैल्यूएशन हो गई करेंसी की, तो आपको ₹120 मिल गए। तो इसका मतलब आप सामान बाहर बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका एक्सपोर्ट बेनिफिट है तो एक्सपोर्ट यहाँ पर प्रमोट होता है। इंपोर्ट इसका जस्ट उल्टा है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर से क्रूड ऑयल मंगाया, इस बार मंगवाया बाहर से, ठीक है, और क्रूड ऑयल में आपको फॉर एग्जाम्पल $2 पे करना था। कितना पे करना था, $2, ठीक है। आपको $2 क्रूड ऑयल का पे करना था, तो आपने कहा $1.50 का, मतलब आपको ₹100 पे करना था क्रूड ऑयल का, ठीक है। बट हम देखते हैं क्या होगी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होगी। $1 कितने का हो गया, ₹60 का। अब आपको पे कितना करना था, $2 पे करना था। इसका मतलब आपको ₹100 नहीं ₹120 पे करना पड़ेगा। तो आप बताइए आपका इंपोर्ट का कॉस्ट महंगा हो गया कि नहीं हो गया, तो आप इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए जब भी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होती है तो हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रमोट होता है, ठीक है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है, मैंने 9 इसलिए कट ऑफ दिया है, ये क्वेश्चन गलत भी चलेगा अगर नहीं बन रहा आपको। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? किसने 1886 में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए को गिफ्ट किया था? ऑप्शन है फ्रेंच, कनाडा, ब्राजील एंड इंग्लैंड। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, पीसीएस में खासकर। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इज फ्रेंच। तो फ्रांस ने याद रखिएगा 1886 में यूएसए को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था, जो आज की डेट में आपको पता है यूएसए में ही लोकेटेड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स? याद रखिएगा किसको हम कहते हैं, चाइना, भूटान, मंगोलिया, थाईलैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन एबल टू आंसर, येस इट्स करेक्ट आंसर दैट इज भूटान। तो याद रखिए भूटान इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन आपको पता होगा 1945 में फॉर्म हुआ था। मैंने आपसे पूछा है कि उसमें फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे। ऑप्शन है 45, 50, 51 या 75। तो याद रखिएगा आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर, आपको आइडिया होगा। आप मुझे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। याद रखिएगा कितने मेंबर्स फाउंडिंग मेंबर्स थे, 51 मेंबर्स। याद रखना आपको 51 मेंबर्स जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे, और इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर था, ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर इज 51 कंट्रीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इजी क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन की बात करते हैं जो यूएसए में है। पूछा कौन सी रिवर इस ग्रैंड कैनियन से फ्लो करती है। ऑप्शंस है ABCD, यू कैन रीड दोज ऑप्शन। आई थिंक ग्रैंड कैनियन का कभी भी नाम है आपको यूएसए याद आता होगा, और इसका करेक्ट आंसर भी आपको रिवर भी याद आती होगी दैट इज कोलोराडो रिवर। तो याद रखिएगा कोलोराडो रिवर जो है वो फ्लो करती है इन द ग्रैंड कैनियन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। याद रखिए अगर आपको वो नहीं बन रहा था ग्रैंड कैनियन वाला, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों वीक है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। एटलीस्ट आप विजिट तो कर ही सकते हैं, विजिट करें और देखें वहाँ पे फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स, देन ओनली इट कुड बी एन ईजी क्वेश्चन, वरना ग्रैंड कैनियन बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। करंटली अभी न्यूज़ में भी आपने हांगकांग और चाइना का इशू सुना होगा। तो मैंने आपसे पूछा है हांगकांग जो है, मैं आपको बता दूं ये चाइना का पार्ट बना था, ठीक है, इसको ब्रिटिश ने चाइना को गिफ्ट किया था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इन विच ईयर हांगकांग बिकेम द पार्ट ऑफ चाइना आफ्टर ब्रिटिश रूल? तो ब्रिटिश रूल ने चाइना को गिफ्ट किया था, बट ऑफकोर्स ऑटोनॉमी मेंटेन करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी आपको पता होगा रिसेंटली चाइना हांगकांग के साथ क्या कर रहा है। ओके तो ऑप्शन पूछा गया कब हांगकांग चाइना का पार्ट बना था। ऑप्शन है 1982, 1989, 1995 या 1997। तो याद रखिएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका करेक्ट आंसर इज डी दैट इज 1997 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। याद रखिए ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी डेजर्ट नहीं है, विदाउट अ डेजर्ट, एक भी डेजर्ट नहीं है। ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो चार ऑप्शन है। आई थिंक इट्स एन ईजी क्वेश्चन अगर आपको आइडिया होगा। डेजर्ट्स आपको पता होगा एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में तो है ही। तो जहाँ डेजर्ट्स नहीं है उसका करेक्ट आंसर इज यूरोप। क्या रखिए यूरोप में डेजर्ट्स नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी यूरोप। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM डेली सीरीज। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ अबाउट आर व्हाट्सएप ग्रुप। जिन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, आप प्लीज़ उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस लेक्चर्स जो अभी आपने देखे हैं इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वो आपको PDF मिल सकती है। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF मिल जाएगी, प्लस आपको इस PDF के साथ साथ इस लेक्चर जो अभी मैंने आपको कराया इसकी PDF के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन कर रखा है 9098676936। इसमें आप व्हाट्सएप करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हमने रखा है, दैट इज़ 200 रुपीज़ पर ईयर। याद रखिएगा पर ईयर का कॉस्ट है, इसका मतलब 50 पैसे अ डे आपको इसका कॉस्टिंग पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। और जिसमें आपको इस लेक्चर की PDF के साथ और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें हम आपको हिंदू न्यूज़पेपर प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक हाईलाइटेड न्यूज़पेपर होगा, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जिसको पढ़ने में दिक्कत है कि सर क्या चीज़ें पढ़नी है क्या छोड़नी है, तो आप देख सकते हैं हम ऐसे हाईलाइटेड न्यूज़पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पहला आपको एक मॉर्निंग में हिंदू न्यूज़पेपर मिलेगा, फिर आपको डेली 10 क्वेश्चन की एक, जैसे मैं आपको यहाँ कराता हूँ वैसे ही जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस इसमें एक आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी हम आपको देंगे। तो स्टैटिक अगर आप कोई SSC की प्रिपरेशन या स्टेट सर्विसेज की कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होंगे 10 क्वेश्चंस। ओके चलिए नेक्स्ट जो रहेगा उसके बाद हिंदू का हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो हैंड रिटन फॉर्म में रहेगी, याद रखिएगा। तो आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप एटलीस्ट इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा इन सबकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके सो विल गेट द PDF ऑफ ऑल दोज लेक्चर्स, ऑल दोज दैट इज PDF। ओके चलिए नेक्स्ट जो रहेगा आपको हिंदू वोकैबुलरी, मतलब कुछ इंग्लिश के वर्ड्स जो आपको मे बी डिफिकल्ट होते हो समझने में, तो हम इंग्लिश के वर्ड्स आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। 10 वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, आप उन वर्ड्स का हिंदी में भी मतलब देख सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज एडिटोरियल। आपको पता होगा हिंदू में एडिटोरियल पार्ट आता है जो कि डिफिकल्ट होता है उसको समझना, उसको वो कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हम पॉइंट वाइज आपको कवर करके देंगे, जो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। ओके नेक्स्ट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, याद रखिएगा प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स जो है वो हम थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा जो डेली बेसिस में ये आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें डेली बेसिस में है, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, आपको इतनी सारी चीज़ें 50 पैसे में आपको मिल जाएंगी। ओके नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया जो MCQ सीरीज है, याद रखिए उसकी भी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि अगर आप ये हमारी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, देख सकते हैं ग्रुप का नाम हिंदू ग्रुप होता है। उसमें आपको हिंदू की हाईलाइटेड PDF रहती है, एनालिसिस रहता है, हिंदू वोकैबुलरी रहती है, ठीक है। देन ये डेली क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। प्लस आप देख सकते हैं एडिटोरियल रहता है, देन प्रीलिम्स का डिटेल रहता है, देन यू कैन सी देयर इज आल्सो 10 AM डेली सीरीज़ के भी लेक्चर्स की PDF रहती है। तो इतना सब आपको 50 पैसे कॉस्ट में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही माइन्यूट कॉस्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आपको फुली अपडेटेड ग्रुप रहेगा, इसमें आपको डेली बेसिस में आपको सारा एनालिसिस मिल जाएगा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपके लिए एडवांटेज होगा, ठीक है। जुड़ने के लिए याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को कॉल कर उस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन भी जब आप व्हाट्सएप करेंगे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मैं आपको बता दूं कि आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए उतना एडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि बहुत ही माइन्यूट कॉस्ट है बट आपको बहुत सारे एडवांटेजेस इसमें मिल जाएंगे। ओके जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं अपने 10 AM सीरीज में उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। और इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव्स ओके तो डू लाइक आवर वीडियो। और जो अभी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसमें आपको डेली जो हमारी सीरीज़ है आप देख सकते हैं ऑलरेडी हम 48 लेक्चर्स कंटिन्यूसली बना चुके हैं, आज 49th लेक्चर है। ऐसे हम कवर करते रहेंगे हर दिन, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का एक आपके पास एक PDF भी होगा और आपने उसकी प्रिपरेशन भी की होगी। ओके तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।